आपको पता दो महीने पहले नेहा कक्कड़ और राधे का शो हुआ, आपको पता? क्यों नहीं बोलते आप लोग? अभी किसी क्रिकेटर की शादी हो रही है, आप लोग खुश होकर डाल देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्यों सपोर्ट करते हैं? आपको पता, एक सेकंड आपसे पूछ रहा हूँ, सोनू निगम और आतिफ असलम का शो हुआ है 4 महीने पहले, क्यों नहीं बोलते आप? It was my mistake. It won't repeat again. बीते दिन पाकिस्तान विच प्रदर्शन करके भारतीय मनोरंजन जगत विच बैन किते मीका सिंह कल शाम नू FWICE दे अधिकारियों नू मिलन पहुंचे। इत्थे मीका सिंह ने सिनेमा कर्मचारियों तो माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वो अपनी गलती मानते हैं ते अगे तो अजिही गलती नहीं करनगे ते कदे भी पाकिस्तान विच प्रोग्राम नहीं करनगे। इस तो बाद FWICE ने मीका ते लगाया बैन भी हटा लिया। इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा सही लोगों को सपोर्ट करें। एक सेकंड संजय इधर ओके जी सर। देखिए जब मैंने पाकिस्तान में शो करा था मेरा मेन यही था कि मुझे ननकाना साहब जाना है, सबको पता है कि रास्ते खुले हैं, और पंजा साहब वहाँ गुरुद्वारा जो कि नवंबर में फिर बहुत बड़ा वहाँ पर फंक्शन होगा जबकि गुरु नानक देव जी का वहाँ पर जन्मदिन होता है, तो मेरा ऐसा नहीं था और बहुत पुराना ये शो था हमारा, कमिटमेंट थी और मैं वहाँ थर्ड को पहुँचा हूँ तो फिफ्थ को आई गेस कश्मीर का ये जो बहुत बड़ा मुद्दा उठा, तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ शो करना ही करना है या शौक है, ये ऐसा बाय मिस्टेक हो गया कि एक मैं वहाँ गया और ऊपर से इधर 370 का हो गया सारा। एंड अगेन मैं पूरे मैंने जब इनके बारे में सुना, इनकी फेडरेशन इतनी पुरानी है और वेल नोन फेडरेशन है जिन्होंने बहुत सारा काम कर रहे हैं अपने वर्कर्स के लिए, 6,000 घर ये बना रहे हैं, 50,000 मैं पहले 600 से अभी तो मेरा सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब कोई भी आदमी उठ के एक नोटिस भेज देता है, ये इनकी वेल नोन यू नो कंपनी, इनकी फेडरेशन है, आप सही लोगों को सुने, किसी और ने फेक बंदे ने अपना एक नोटिस निकाल दिया, फेक बंदे ने प्रोटेस्ट भी कर दिया, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सही लोगों को सपोर्ट करें। जब मैंने तिवारी जी के बारे में सुना, पटेल सर के बारे में सुना, इनकी फेडरेशन के बारे में सुना कि ये लोग वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं खुद इनसे मैंने फ़ोन करा क्योंकि पहले तो मैं यही कन्फ्यूज़ था कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। जब मैंने बहुत सारे मेरे एक्ट्रेस दोस्त का मैं नाम नहीं लूँगा सबसे पूछा, सब ने इनकी तारीफ करी और इनकी फेडरेशन की तारीफ करी, मैंने सर को कॉल करा कि सर इट वॉज़ बाई मिस्टेक, मेरा कोई ऐसा इंट्यूशन नहीं था कि मुझे देश के वासियों को मेरे फैंस को या फेडरेशन को हर्ट करना, तो फिर मैंने इनको फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ एंड मैं स्पेशली आया हूँ, एंड अगेन अगर मेरे से कोई गलती हो गई बाई मिस्टेक तो मैं अगेन क्षमा मांगता हूँ फेडरेशन से भी और पूरे मेरे फैंस से भी, मीडिया से भी और पूरे इंडिया से। नहीं सर आप बोलिए जी 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 और 5 तारीख को ये हो गया लेकिन कार्यक्रम 8 तारीख 8 तारीख का था तो मैं गया हूँ 3 तारीख को ना। हाँ, मैंने भी तो बोला जिस शादी में आपने परफॉर्म किया वो 8 तारीख को जी जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि वो कैंसिल कर देना चाहिए, बवाल हो जाएगा भारत में भी और पाकिस्तान में भी ये मुद्दा उठेगा? मेरे हिसाब से सर की पहली बात तो जो उनकी बात है मैं उनको बिल्कुल एग्री करता हूँ, किसी को क्या हर्ट होता है इसकी आप गारंटी ले सकते हो। अब बहुत सारे पाकिस्तानी के गाने बैक टू बैक आ रहे हैं, 2 महीने पहले भी कोई गाना आया था और मैंने सर से भी रिक्वेस्ट करी है कि जैसे लेजेंड सुन नहीं गया, मैं पिछले 5 साल से उनका कोई गाना नहीं आ रहा, उदित नारायण जी के गाने नहीं आ रहे, शाम मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसके गाने नहीं आ रहे लेकिन आप आतिफ असलम के गाने दिखवा रहे हैं, रात के गाने आ रहे हैं, तो अगर ये चीज़ सबके लिए लागू हो तो मैं इनके साथ अग्री हूँ और मैं अभी दिन का मेमोरी बन गया हूँ अगेन क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में मैं गाने गाता हूँ, तो मैं किसी तरीके से भी इनको हर्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं यहाँ से गया हूँ गुरुद्वारा तो खुला ही हो रहा है, वो तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा ठीक है सर। पुलवामा अटैक के बाद से तिवारी जी ने बताया कोई भी यहाँ से जाता है कैसे जाता है
आज मैं न्यूज़ से फिर बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे तो हमेशा आप सपोर्ट करते हो, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, आपने एक भी बात मेरी अगेंस्ट नहीं करी। अभी किसी क्रिकेटर की शादी हो रही है, आप लोग खुश होकर डाल देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्यों सपोर्ट करते हैं? आप बताओ, आप बंद करो। मुझे नाम भी नहीं पता, कोई बॉलर है पता नहीं क्या नाम है उसका, इंडियन लड़की के साथ शादी हो रही दुबई में, और आप बड़ा खुश होकर डाल देते हो कि हाँ जी उसकी, आपको भी हमारे साथ सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि ये लागू सिर्फ मेरे पे होता है, आप क्यों गए, कल को आपको वीज़ा मिलेगा आप जरूर जाएंगे। मीका जी बात वीज़ा मिलने की नहीं है, सवाल ये है कि जो पुलवामा अटैक के बाद से सवाल करना मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी अब मैं बोलूँ, सुन लिया, इट वॉज माई मिस्टेक, इट वॉन्ट रिपीट अगेन। ये कंट्री का इशू नहीं है। आप कितनी नॉलेज रखते हैं सिंगर्स के बारे में? आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है? आपको पता 2 महीने पहले नेहा कक्कड़ और राधे का शो हुआ, आपको पता क्यों नहीं बोलते आप लोग? आपको पता, एक सेकंड आपसे पूछ रहा हूँ, सोनू निगम और आतिफ असलम का शो हुआ है 4 महीने पहले, क्यों नहीं बोलते आप जस्ट मेरे पे कि आपका नाम होगा मेरी न्यूज बनेगी इसलिए? एक सेकंड आप बताइए जवाब दीजिए। अगर आपको नॉलेज है अभी रश्के का मतलब गाना है, एक सेकंड आप सुनेंगे तो मैं कैसे चलेगा? एक सेकंड आप मुझे, अभी गाना आया है सोचता कौन सी बात हो गई यार, एक सेकंड आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं आप मेरी बात तो सुनिए, नहीं आप मेरी बात, मेरी बात सुने, मुझे सुनना नहीं आपकी, फिर आप बोलते मैं जा रहा हूँ। उसी जगह पे आतिफ और नेहा का शो हुआ था, आपको पता है किसने कराया था वो शो? किसने कराया बताइए। अब ये चाहते हैं मैं भड़कूं और आपका फिर मीडिया चल जाए, कहाँ पे हुआ था मीका? इनको पता है, आप बताइए ना, इनको पता है? नहीं नहीं उनको नहीं पता, आप क्या पूरा चलो